हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू gohatch.in। कर्नाटका सरकार ने क्या किया है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को चलते हुए गवर्नमेंट ऑफिस पर। कल ये खबर आ रही थी है कि बैन हो चुके हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एट गवर्नमेंट ऑफिसेस, लेकिन कल भी हमने अपने बुलेटिन में क्लियर किया था कि आप प्रायर परमिशन लेना जरूरी है ऑफिसर्स की, तभी आप शूट कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। जैसे ही ऑर्डर पास हुआ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ एक्टिविस्ट की तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से और जनरल पब्लिक की तरफ से। उसके बाद सीएम बसराज बोम्मई ने इमीडिएटली इस ऑर्डर को विड्रॉ किया। विड्रॉ इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक पिटीशन डाली थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की वजह से कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हरास किया जा रहा था और गैर मामूली उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा था, और कई सारे वुमेन वर्कर्स होते हैं उनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब हो जा रही थी क्योंकि कोई भी कहीं पर भी मोबाइल लेके शुरू हो जा रहा था। इसीलिए उन्होंने ये बताया गवर्नमेंट ऑर्डर ने कि आप पहले ऑफिसर की परमिशन लें उसके बाद रिकॉर्ड करें। लेकिन ऐसा अगर होता है तो करप्शन को रोका कहा जाएगा, लोगों को जो धोखा मिल रहा है, किस तरह से चीटिंग की जाती है बाज़ वक्त। इस तरह की बात चलकर कई सारे सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि अगर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी रोकते हैं तो इसमें दाल में काला होते ही जाएगा और करप्शन के जो मामले हैं बढ़ते ही जाएंगे। इसी को चलते हुए इस ऑर्डर को अब करंटली अब विड्रॉ किया गया है, यानी कि आप वीडियो फोटोग्राफी जिस तरह से आप स्टेट ऑफिस रहने दो या फिर सिटी के ऑफिस रहने दो, कहीं पर भी रहने दो, विधानसभा रहने दो, जहां पर भी हो आप शूट कर सकते हैं वीडियोस और फोटोज़, लेकिन मेक श्योर करें कि किसी की प्राइवेसी को आप डिस्टर्ब ना करें। खास करके लेडीज़ की कोई प्राइवेसी अगर होती है तो गैर मामले आप डिस्टर्ब ना करें। और अगर आपको लगता है कि कहीं करप्शन चल रहा हो या आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो ज़रूर आप इसे रिकॉर्ड करिएगा, क्योंकि यही अपनी जो है इंसाफ की बात होती है और ये फ्रीडम है हर सिटीज़न का कि वो सच्चाई को बता सके।